हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं धनी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे हम कंपनी का शेयर एनालिस करने वाले हैं, यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी, इसमें हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम धनी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, सो ये कंपनी 1995 में स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो धनी सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी प्रीमियरली इंगेज इन प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइक हेल्थ केयर एंड ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंसियल सर्विसेज थ्रू लाइक धनी ऐप। धनी का एक इनका एक धनी लाइक धनी सर्विसेज जो कंपनी का खुद का ऐप है, जहाँ पे वो मेडिसिन से लाइक बहुत से ऐसे लाइक ग्रॉसरी हो गए एंड लाइक बहुत सी चीज नॉर्मल जो ऐप में होते हैं वैसे ही कंपनी लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक मेडिसिन, हेल्थ केयर जो भी होते हैं, लाइक क्लोथ्स हो गए, बहुत सी ऐसी चीजें। एंड इट इज ऑल्सो इंगेज इन डाइवर्स बिजनेस लाइक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लाइक एसेट रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉक ब्रोकिंग एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें करती है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी की डेटा। सो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया, 2816 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी का देखें, कंपनी का स्टॉक भी नहीं दिया, वही कंपनी का रेटिंग का एम्प्लॉय देखिए यहाँ पे -7.9% यहाँ पे दिया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, बिकॉज कंपनी का बहुत बड़ा लाइक स्कैम भी हुआ था, मैंने कंपनी का नाम भी मार्केट में खराब देखा जाए तो। एंड अभी इस टाइम पे लाइक काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ आपको तो पता ही कि वॉर का ये है, तो इसके कारण कंपनी में नेगेटिव ऑलरेडी थी, इसके वजह से और भी नेगेटिविटी आ गई है। बिकॉज देखा है 2 वीक से मार्केट जिस तरीके से लाइक नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, कल के दिन मार्केट लाइक निफ्टी प्लस लाइक बैंक भी दोनों कल के दिन वापस किए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चली, इसके कारण मेरी शेयर प्राइस भी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो जितने जो भी स्टॉक आपको बोल रही है इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कभी आपको कम प्राइस में मिल रहा है, जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। वैसे धनी का ही इसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कम क्वांटिटी में ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी का डेब्ट देखिए 2428 करोड़ का कंपनी का बिलैक डेब्ट है। डेब्ट देखा है तो ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है। कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए 25.8, यहाँ पे स्टॉक भी ज्यादा, इंडस्ट्री भी ज्यादा दिया है। कंपनी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 46.8 रुपीज अभी चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 91.9 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए अभी नेगेटिव में दिया, लाइक 15.5% यहाँ पे कम आया है, लाइक और बहुत ही कम आया है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना मिला है, 2267 करोड़, इतना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। कंपनी का प्लेस परसेंटेज हमें नहीं है बिकॉज कंपनी ने अपना स्टेक वो प्लेस पर नहीं दे रही, बहुत पॉजिटिव में मेन नहीं आता है। कंपनी का हाई देखिए 232 है, लो देखिए 28.5 है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, फेस वाली देखिए 2 रुपीज दिया, प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का देखिए 33% दिया हुआ है, जो कि देखा जाए प्रमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे कम है। टोटल असेट की बात की जाए कितना दिया, 8624 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या है टोटल असेट कंपनी का दिया हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत सी चीजें नेगेटिव में दी हुई है। सो ऐसा नहीं कि आपको धनी सर्विसेज में ही आपको इन्वेस्टमेंट, बट इसमें क्या है ये आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, बट कंपैरिजन में और भी कंपनीज होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। बेसिकली कंपनी का डेटा के बेसिस पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। प्रॉस में देखी जाए तो यहाँ पे कंपनी है रिड्यूस रिटर्न को मेरा डेप जो रिड्यूस के कम है, जो स्टॉक कितने में ट्रेड हो रहा है 0.32 है एज बुक वाली। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो यहाँ पे लो है। प्रमोटिंग होल्डिंग में यहाँ पे देखे तो कितना 33% यहाँ पे दिया, जो कि कम है यहाँ पे दिया हुआ है। वही अगर यहाँ पे कंपनी का लाइक रिटर्न इक्विटी देखे तो हमें लास्ट 3 ईयर्स से कितना कम है, 3-7.85% यहाँ पे कम है। प्रमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे देखे तो लास्ट 3 ईयर्स से यहाँ पे कितना इंक्रीज लाइक डिक्रीज हुआ है, -3.57% यहाँ पे डिक्रीज हुआ, बहुत ही ज्यादा कम हो गया देखा जाए तो। सीधे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। पीए कंपनी से हमें बात की जाए तो यहाँ पे लाइक धनी सर्विस लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे लास्ट 1 नंबर पे कंपनी आ रही है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखा एज कम्पेयर टू लाइक बाकी कंपनी से कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे कम दिया हुआ है।
ओवरऑल यहाँ पे पीयर कंपेरिजन में देखे जाए, यहाँ पे कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई है जो अच्छा खासा परफॉर्म करे मार्केट में इवन देखा जाए तो, जैसे कि देखा बजाज फिनसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी बजाज फिनसर भी इसका मार्केट कैप भी देखिए ज्यादा, बट कंपनी का करंट प्राइस देखिए 7,000 के ऊपर, ये कंपनी जो ट्रेड करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। बजाज फिनसर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज होल्डिंग हो गए, देखिए बजाज होल्डिंग भी अच्छी खासी कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट, बट निकाल में करंट प्राइस देखिए तो 6,700 के ऊपर है, लाइक 7,000 के ऊपर है, तो ऐसी कंपनी में लाइक ट्रेड करना बेटर रहेगा ना इन्वेस्टमेंट करना। ये धाने सर्विसेज में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप नहीं बोल सकती, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे डाल सकते, ज्यादा क्वांटिटी आपको इसमें नहीं लेना है, आपको रिपीट करके बता रही हूँ। बस कम एक क्वार्टर रिजल्ट भी देखे थे नेगेटिव में ही आए हैं, लाइक यहाँ पे मुथूट फाइनेंस हो गया, इसमें आप लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, HDFC AMC हो गया, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपेरिजन में अदर भी कंपनी दी हुई जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SBI कार्ड हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपेरिजन में बहुत सी कंपनी थी जिसमें धनी सर्विसेज के अलावा आप बाकी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का स्टॉक भी देखे यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइक बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का दिया हुआ है, देन लास्ट लास्ट यहाँ पे किसका दिया है SBI कार्ड का दिया हुआ है। पी मीन्स क्या होता है, मीन्स आप उतने रुपए पे करते हो 1-2 रुपए कमाने के पीछे उस कंपनी में, तो ये था बेसिकली यहाँ पे पीए कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट के 3 ईयर देखे लाइक लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर की जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी के जो रेवेन्यू गिरता गया प्लस कंपनी के एक्सपेंसिस भी यहाँ पे कम होते गए हैं, वे परसेंटेज भी देखे लाइक ओवरऑल पूरा नेगेटिव में दिया हुआ है, वही कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखे तो ओवरऑल नेगेटिव में ही पूरा दिया हुआ है कंटिन्यूअसली। तो लाइक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, बट मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, तो हो सके तो इसमें कम क्वांटिटी में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर जिनको लाइक रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप इस कंपनी से दूरी रहिए, कंपेरिजन में और भी कंपनी दी हुई जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, बट अभी क्या मार्केट डाउन है उसकी वजह से लाइक परफॉर्मेंस बाकी कंपनी के लाइक लो चल रहे, लाइक करंट प्राइस पूरे के पूरे गिरे हुए हैं कंपनी शेयर प्राइसेस भी, लाइक मार्केट का इफेक्ट इसमें कंपनी पर भी है, तो एक ऑलरेडी कंपनी नेगेटिव थी और भी ज़्यादा नेगेटिव में है, तो हो सके तो ऐसी कंपनी सब दूर ये जिनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना उन लोग के लिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर करें कंपनी का लाइक कंटिन्यूसली कंपनी का क्या यहाँ पे रेवेन्यू भी रहे, एक्सपेंसेस भी गिरे हैं, लाइक आप देख सकते हैं 1,434 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ लास्ट 2022 का, एक्सपेंसिस 1,986 रुपये का एक्सपेंसिस, ओपन परसेंटेज -38% नेगेटिव में दिया हुआ है, बाकी के ये सब तो लाइक पॉजिटिव में था बट यहाँ पे नेगेटिव में आ गया है। यहाँ पे देखिए वापस यहाँ पे 8,060 मीन 860 करोड़ का कंपनी का लाइक लॉस हुआ है इतना, तो मेन क्या मैं हर बार पूछे कोई भी कंपनी लॉस कर रही है लाइक कम प्रॉफिट करे बट कम या नेगेटिव में नहीं है बट सर नेगेटिव में है, तो लाइक आपको मैं दे रही थी ऐसी कंपनी से आप दूर ही रहिए, अगर आप जो कंपनी लाइक क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, ईयरली बेसिस पे भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, बट जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, ऐसी 50-60 अगर जाता है तो लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिटर्न देगी, अदरवाइज वापस अगर नीचे गिरता जा रहा है तो आप ऐसी कंपनी से आप उसका शेयर प्राइस आप निकाल लीजिए, ज्यादा उसमें टिकने की जरूरत नहीं, बाकी अदर भी कंपनी है जो अपने आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, इट्स बेटर कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके इसके साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, लास्ट के 3 ईयर्स लाइक 3 क्वार्टर की देखिए तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखी तो और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, FI स्टडी देखिए तो लास्ट 3 क्वार्टर से FI स्टडी यहाँ पे कम हुआ 20.52% हो गया, DI 1.42% दिया हुआ है, पब्लिक स्टडी 40.18% दिया हुआ है, और इसमें देखे तो 4.87% दिया, लाइक प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो ओवरऑल अच्छा खासा दिया हुआ है, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे देखे तो यहाँ पे कम है। नेक्स्ट हमें फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी का लाइक 2019 में प्रॉफिट हुआ था 0.46,000 करोड़ का, देन 2020 में नहीं हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ वापस लॉस था 2022 में हुआ है, तो लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते 2023 रहेगा उसमें आपको कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लाइक कंपनी रिकवर कर सकती है इफ अगर कंपनी ने अपना रेवेन्यू अगर अच्छा खासा जनरेट किया तो, इसको एक अंदर था फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट हमें कंपनी शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, धनी सर्विसेज की लाइक 46.8% का क्लोजिंग हुआ था कल के दिन एंड 2.40% करके नीचे भी गया था, कंपनी लाइक नेगेटिव परफॉर्म कर बिकॉज मार्केट भी डाउन है प्लस कंपनी का स्कैम हो गया जिसकी वजह से कंपनी का लाइक नाम भी खराब है, तो इसके लिए कंपनी का लाइक नेगेटिविटी चल रही है, तो लाइक कंपनी से अगर भी कंपनी से जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इसमें कर सकते हैं
लाइक धनी सर्विसेज का देखो नेगेटिव में है, तो इट्स बेटर कि आप दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए अगर आपने रिस्क अगर आपको इसमें नहीं लेना है तो। फिर द कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। सो गाइस इस तरीके के डेली अपडेट पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।